कोरोना वायरस महामारी के बीच दुनिया के कई देशों में मंकी पॉक्स के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 29 देशों में संक्रमण के 1000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुधवार को चेतावनी दी कि अब मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि ये उन देशों में फैल रहा है जहां अब तक ये मौजूद नहीं था। दुनिया भर में अब मंकी पॉक्स के केस 1000 से ज्यादा हो चुके हैं। हालांकि अच्छी बात ये है कि अब तक कहीं भी इस वायरस से संक्रमित मरीजों की मौत नहीं हुई है, लेकिन एक देश से दूसरे देशों में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों से जाहिर हो रहा है कि कोरोना वायरस की तरह इस वायरस का ट्रांसमिशन हुआ है। अमेरिका में अब तक 30 मामलों की पुष्टि की जा चुकी है, जिसके बाद अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी CDC ने अपनी चेतावनी स्तर में बदलाव किए हैं। इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत में हेल्थ एक्सपर्ट्स ने मंकी पॉक्स वायरस के हवा के जरिए फैलने की आशंका जाहिर की है। उन्होंने नाइजीरिया में फैले मंकी पॉक्स संक्रमण का हवाला देते हुए कहा कि नाइजीरिया की एक जेल में 2017 में मंकी पॉक्स बीमारी फैली थी। वहां रहने वाले कैदियों के अलावा स्वास्थ्य कर्मियों को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया था। वहां ऐसे भी लोग इस बीमारी के शिकार बन गए थे जो इसके मरीज के कभी संपर्क में भी नहीं आए थे। इससे लगता है कि मंकी पॉक्स बीमारी भी कुछ मामलों में हवा के जरिए फैल सकती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में WHO के प्रमुख टेड्रोस अदनोम ने कहा, उन देशों में मंकी पॉक्स का खतरा अब वास्तविक है जहां अभी तक ये महामारी के रूप में मौजूद नहीं था। मंकी पॉक्स 9 अफ्रीकी देशों में इंसानों के बीच महामारी के रूप में मौजूद है, लेकिन पिछले महीने में ये प्रकोप कई देशों में फैल गया, जिसमें ज्यादातर यूरोप और प्रमुख तौर पर ब्रिटेन, स्पेन और पुर्तगाल शामिल हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।